कोपर खेरा ने पुलिस ने, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ में आप देख सकते हैं आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में केस किया है आरटीआई एक्टिविस्ट पे। जानते हैं राय। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार कुमार जी, कल के टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसके अनुसार, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि कोपर खैरानी में है उसके ऊपर जो है वो पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पुलिस एक्ट ये सब लगाए हैं। उसका अपराध जो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है वो ये है कि उसने फोटो खींचने की कोशिश की पुलिस स्टेशन की। इस पे आपकी राय एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट क्या है और आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर में ये पढ़ा कि सम ठाकुर नाम के कोई आदमी है, कोपर खैरना पुलिस स्टेशन ने उनको फोटो निकालने, पुलिस स्टेशन के अंदर फोटो निकालने में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 7 और 3 के तहत और मुंबई पुलिस एक्ट 120, ये तीनों जो एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 7 और 3 ये भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है और 120 मुंबई पुलिस एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये पुलिस ने जानबूझकर के, हो सकता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर कोई प्रेशर बनाने के लिए, किसी बात को छुपाने के लिए ये केस उनके ऊपर बनाया गया है। इसके पहले सीएसटी में रेलवे स्टेशन पे जीआरपी के एक आर्म्स, जहां आर्म्स उनका रखा रहता है, उसके ऊपर भी एक पत्रकार ने फोटो निकाला था, उनके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला दर्ज होकर उनको जेल भेजा गया था। बाद में हाईकोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया। जबकि मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सारे पुलिस स्टेशन में आप सीसीटीवी लगाएंगे, इवन सीनियर के चेंबर में, इंट्रोगेशन रूम में जहां आप आरोपी को रखते हैं उस रूम में भी आपको सीसीटीवी लगाना है। किसी भी आदमी को आप जब भी वो सीसीटीवी का इंफॉर्मेशन मांगेगा आरटीआई के थ्रू तो आपको उनको प्रोवाइड करना है। तो ऐसे मामले में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड एरिया पुलिस स्टेशन नहीं आता है, और जहां भी प्रोहिबिटेड है उसमें एक साइन बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। पुलिस स्टेशन को प्रोहिबिटेड एरिया नहीं माना गया है क्योंकि जब आरटीआई से हम उनका सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। अभी ये न्यूज करने से करीब 5-7 दिन पहले मैंने भी एक आरटीआई लगाया है, थाने पुलिस कमिश्नर के चेंबर का भी हमने मांगा है और थाने क्राइम ब्रांच का भी हमने मांगा है। इसके पहले हमने एपीएमसी पुलिस स्टेशन का मांगा था, एपीएमसी के डीसीपी जोन 1 ने हमको, उसने आदेश भी दिया था कि इनको प्रोवाइड कराया जाए सीसीटीवी फुटेज। जहां पर सीसीटीवी फुटेज किसी भी कॉमन पीपल्स को लिया जा सकता है, मिल जा सकता है, वो ऑफिशियल सीक्रेट के अंदर वो प्रीमिसेस नहीं आएगा और प्रोहिबिटेड नहीं होगा जी। अंटिल अनलेस कि प्रोहिबिटेड एरिया में वो पुलिस स्टेशन ना हो, जैसे डिफेंस एरिया में ना हो, गवर्नर हाउस के अंदर ना हो, पीएम हाउस के अंदर ना हो, राष्ट्रपति भवन के अंदर ना हो, जहां पे वो एरिया प्रोहिबिटेड है उसके अंदर अगर पुलिस स्टेशन है तो ये शायद उस पर लागू हो सकता था। तो मेरे हिसाब से पुलिस ने ये फर्जी केस बनाई है और इसमें स्टेट इस केस को हारेगा, जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट है वो बाहर निकलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार को ये मैसेज भेजना चाहता हूं कि अगर उनको कोई भी लीगल हेल्प की जरूरत है तो हमारी संस्था जरूर करेगी, क्योंकि कोपर खैरना पुलिस और नवी मुंबई पुलिस ने यह फर्जी केस दर्ज किया आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर, अपना हैवॉक क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा केस बनाया है जी। तो क्या मैं आपका नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ स्क्रीन पे डालने के लिए? डेफिनेटली आप मेरा नंबर कीजिए, मेरा और मेरा एनजीओ है कॉन्शियस सिटीजन फोरम, तो, जो आपके डिस्प्ले पे आता है, जी, जी, कोई आदमी जाके वेबसाइट पे उसका एड्रेस निकाल सकता है जी जी जी। कुमार जी, एक छोटी सी बात जाननी ये थी कि जैसे लिखा होता है कि दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड फॉर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, तो उसमें क्या और इसमें क्या फर्क है, छोटे में बता दीजिए। देखिए, कुछ कुछ नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेंजर होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर होता है जी, वो एरिया डिफेंस एरिया, और गवर्नमेंट ने कुछ एक सर्कुलर नोटिफाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे मंत्रालय है, वो नोटिफाइड जो एरिया है, जो प्रोहिबिटेड नोटिफाइड एरिया है, उसमें ये पुलिस स्टेशन नहीं आता है जी। तो वो देश की सुरक्षा के ख्याल से और भी कुछ गवर्नमेंट के जो सीक्रेट्स हैं उसके ख्याल से गवर्नमेंट ने इसको, इसका प्रोविजन किया है जी। तो इसका मतलब ये है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट वो जो धाराएं लगाई गई है, पुलिस ने लगाया है, वो निर्दोष है। पुलिस को शायद इसका लॉ का नॉलेज नहीं है या पुलिस ने जानबूझ करके भय
करने के लिए, एक भय ग्रस्त करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्टों से पुलिस हरदम परेशान रहती है, क्योंकि उनके जितने गोरख धंधे होते हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा उसमें, और जो धाराएं लगाई गई है वो एकदम बकवास धाराएं हैं, वो धारा एस्टैब्लिश नहीं करेगी, स्टेट केस को हारेगा और बहुत जल्दी अगर उन्होंने सही केस लड़ा तो ये केस एफआईआर पास भी हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर।